ओके, गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। तो कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि कैलकुलस हमें ज़रूरी क्यों है, व्हाई वी स्टडी कैलकुलस। जब हमारे पास ऑलरेडी ढेर सारे मैथमेटिक्स के ब्रांचेस, मैथमेटिक्स में पार्ट्स हैं, लाइक अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, और फिर प्रोबेबिलिटी है, ये सब सारे होने के बावजूद हम परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मतलब इतने ढेर सारे होने के बाद क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी जो हमें कैलकुलस को पढ़ना पड़े और इसमें अपना सर हम क्यों खपाएं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया जाए कोई मूवी ट्रेन है, मूविंग ट्रेन है, ठीक है, और आप ये नवादा से बैठे गया जाना है आपको, ठीक है, और नवादा से गया जाने में आपको 3 घंटे लगते हैं, ठीक है, 3 घंटे लगते हैं। जब नवादा से आप बैठते हैं तो ट्रेन की जब स्पीड होती है वो 0 रहती है, जब स्टेशन पे आके प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन रुकती है तो उसका स्पीड तो 0 रहता है, तभी तो ट्रेन रुकती है। और उसके बाद जब ट्रेन चलती है तो जब ट्रेन चलने लगे 0 स्पीड से, अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर चली, तो 1 किलोमीटर चली और उस टाइम अगर कोई टाइम हुआ है कि 1 किलोमीटर चलने में इसको 5 मिनट लगे, तो 5 मिनट लगे और आपको ना पांचवा मिनट हो रहा हो तो उस टाइम ट्रेन की स्पीड निकालनी होगी। अगर कोई आपसे पूछ दे, बगल वाला पड़ोसी बैठा हो बगल में और आप पूछे आपसे कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो और आप बता दो कि आप 12th में पढ़ रहे हो, तो बोले कि अच्छा बेटा बताओ मेरे को ट्रेन को ना नवादा से चले हुए 5 मिनट हो गया है, अभी 5 मिनट है, अभी बताओ एग्जैक्ट ट्रेन की स्पीड क्या है। तो थोड़े देर के लिए दिमाग एकदम ना बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, अभी कैसे बता सकते हैं। अगर यही चीज़ ड्राइवर से पूछेगा तो ड्राइवर क्या करेगा, वो अपना स्पीडोमीटर देखेगा और वहां से देख के वो बता देगा कि ट्रेन किस स्पीड से चल रही है। मान लीजिए अगर 40 किलोमीटर पर आवर चल रही होगी तो बोल देगा 40 किलोमीटर पर आवर है। तो 40 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है, ये इसका एवरेज स्पीड है, लेकिन 5 मिनट में जो आपसे सवाल पूछा गया है, 5 मिनट में ट्रेन की क्या स्पीड होगी वो भी नहीं बता पाएगा। तो इसको बताने के लिए आपको फिर कैलकुलस की हेल्प पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए जो टाइम का होता है ना, एग्जैक्ट टाइम, मतलब टाइम का एक फ्रैक्शन, अगर हम बोले कि 3 घंटा है, 3 घंटे में कोई काम हो रहा है और वो काम ना कभी तेज हो रहा है, कभी धीरे हो रहा है, कभी एकदम बिल्कुल रुक सा गया है, और टोटल तो बोल दिया कि हाँ दिन भर में आपने इतना काम कर लिया, 100 बोरे उठा लिए, अगर बोरा उठाने का ही काम है तो दिन भर में अगर 100 बोरे उठा लिए, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पूछ दिया कि अरे 12:05 में आपने कितने बोरे उठाए थे, तो आप क्या करोगे, शुरू से लेके अंत तक के बोरे काउंट करोगे, उससे बोल दोगे कि 12:05 तक मैंने ना जी 40 बोरे उठाए थे, तो ये हुआ। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपके, अगर आप स्पीड निकाल रहे हो ट्रेन का या किसी भी चीज़ का स्पीड निकाल रहे हो, कोई बॉडी एक्सलरेशन में है तो उसकी स्पीड वेलोसिटी निकालने के लिए ये उस तरीके से आप नहीं निकाल सकते, और अगर निकालोगे भी तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आपका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा कि ये कैसे करें। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम कैलकुलस का यूज़ करें।